तो आज मैं इलास्टिसिटी कंस्टेंट ऐसे समझाऊंगा कि आपको एक चुटकी में समझ जाएगा और सिर्फ दो ही पीडीएफ के अंदर आप ये इसको पूरा एकदम कंप्लीट समझ जाओगे कि इलास्टिसिटी कंस्टेंट एक्चुअली होता क्या है। राइट, तो चैनल पे जो बंदे आए हो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इंजीनियरिंग रिजल्टेड SSC JEE और मैकेनिकल का जितना भी JEE एग्जाम होता है सारा का टॉपिक मैं अपनी चैनल पर पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। राइट, तो इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट एक्चुअल में क्या है? ठीक है, इसमें हम लोग दो मेटेरियल को लेते हैं। पहला होता है इसेंट्रोपिक, एक होता है होमोजीनियस। इसेंट्रोपिक मीन्स डिसिमिलर मटेरियल और होमोजीनियस मीन सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल। तो हम लोग ये दो चीज़ें लेते हैं। और गाइस सुन लो, अगर आपको इल्यूरियन थ्योरम और जो रैंकाइन थ्योरी कॉलम के ऊपर कैसे लगता है, बकलिंग ऑफ कॉलम, अगर वो वाली वीडियो चाहे तो आप लोग बताओ, मैं बढ़िया सा एक कंटेंट रखा हूँ, आपको समझ आएगा एकदम झकास जैसा। तो देखो, इलास्टिसिटी कंटेंट हमारे यहाँ पे चार चीज़ों पे वैरी करता है, या फिर इसका चार वेरिएबल्स होता है। ई होता है हमारा यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, जी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड म्यू होता है पॉइजन्स रेशियो। तो आप ये चारों को नोट कर लो इलास्टिसिटी कंस्टेंट के। ठीक है, तो हम लोग एक बाई एक समझाते हैं इलास्टिसिटी कंस्टेंट। तो देखो, यहाँ पे आपको चारों को याद रखना जरूरी है, ई के जी एम ई, जिसको हम लोग इलास्टिसिटी कंस्टेंट बोलते हैं। राइट, तो पहला आता है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये कहता है कि ई इसको डिनोट किया जाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन आपको कैसे पता चलेगा? लाइक कि आपको अगर कुछ डायग्राम याद है स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक वेल्डिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे फ्रैक्चर वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है स्ट्रेस और यहाँ पे होता है स्ट्रेन, ये वाला डायग्राम आपको याद होगा। ठीक है, तो एक ये आपको पता होना चाहिए डायग्राम, क्योंकि सॉम टॉम थर्मोडाइनेमिक्स हर चीज़ में डायग्राम यूज होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया इस पर होना चाहिए जरूरी। राइट, तो ये डायग्राम यहाँ पे अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है ये रेखा, तो यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, और यहाँ से अगर आगे जा रहा है तो स्ट्रेन बढ़ रहा है। ठीक है, और स्ट्रेस स्ट्रेन में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, स्ट्रेन हम लोग किसको बोलते हैं और स्ट्रेस हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई वर्क पीस है या फिर कोई मेटल है, इसके ऊपर रुको मैं यहाँ पे मेटल का कुछ अच्छा सा। ठीक है, मान लो ये कोई मेटल है, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है और ये फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है और टूट नहीं रहा है, फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है। मान लो ये फोर्स में लग रहा है मान लो 10 kN का फोर्स लग रहा है और ये 10 kN को रेजिस्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कि स्ट्रेस है इसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बट ये रेजिस्ट कर रहा है। राइट, बट स्ट्रेन किसको बोलते हैं? ठीक है, स्ट्रेस तो आपको समझ आ गया, जो फोर्स को रेजिस्ट करता है, तो स्ट्रेन किसको बोलते हैं? मान लो ये कोई मेटल है और हमने इसको खींच के थोड़ा और लंबा बना लिया। ठीक है, खींच के सेम मेटल को खींच के हमने थोड़ा लंबा बना लिया, तो ये ऐसा कर दिया हमने, ये पहले छोटा था। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, ये पहले ऐसा था, फिर हमने इसको ऐसा बना लिया खींच के सेम मेटल को, हमने उसका बस डायमेंशन चेंज किया, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो आपको ये बात अगर समझ में आ गया स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है, तो आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी समझ आ जाएगा। तो ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कैसे होता है कि हमने किसी पे प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, तो ये होता है प्रेशर पर यूनिट एरिया। ठीक है, और DL और L होता है कि हमने देखो, जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेन में क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, स्ट्रेस में हमारा प्रेशर और एरिया आ गया कि कहाँ कितने एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और DL और L में क्या है, देखो L होता है लेंथ, जैसे कि मैंने बताया अभी कि हम लोग कोई भी मेटल को अगर हम लोग खींच के और लंबा बना रहे हैं। ठीक है, इस मेटल को हम लोग खींच के लंबा बना दिया,
रुको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, इस सेम मेटल को हमने खींच के ऐसे लंबा बना दिया, राइट। इसका जो पहले जो शेप था ये वाला शेप था, और इस ये वाला एक नंबर मान लो और ये वाला दो नंबर मान लो, जो ये वाला दो नंबर, राइट। तो हमने इसको दोनों तरफ से, ये मेटल को दोनों तरफ से खींच के इतना लंबा कर दिया, जिससे क्या हुआ कि ये इसका लेंथ तो बढ़ गया, इसका इसका जो वर्थ है ये कम हो गया, ठीक है। उसी को ही हम लोग को डेल्टा एल और एल बोलते हैं। तो डेल्टा एल मतलब कि चेंज कितना हुआ, और डिवाइडेड बाई एल कि उसका पहले लेंथ कितना था, डेल्टा एल की चेंज कितना हुआ, इसको बुला के हम लोग मिलता है यंग्स और यंग्स मॉडुलस, राइट। तो इसका आपको समझ आया होगा होपफुली, ठीक है। फिर आता है शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में जी जी का मतलब होता है रिजिडिटी। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, तो आपको शियर स्ट्रेस बारे में पता होगा। शियर स्ट्रेस मीन, ये डायग्राम देखो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये वाला ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे नीचे का हिस्सा फिक्स्ड है, ठीक है। हमने ग्लू या फिर कोई कांटे से इसको एकदम फिक्स करके रखा है, मान लो कि हमने ग्लू में इसको फिक्स कर दिया, कुछ ग्लू लगा के इसको फिक्स कर दिया, मान लो कि हम लोग यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका नीचे का हिस्सा तो फिक्स है, तो सॉरी गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है। तो देखो ये एक डायग्राम पहले देख लो, ठीक है, ये डायग्राम देख लो, इसका नीचे का पोर्शन जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है, नीचे का पोर्शन फिक्स्ड है, और यहाँ पे हम लोग फोर्स किस साइड पे लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। नीचे का पोर्शन जो है वो फिक्स्ड है, नीचे के वाला जो हिस्सा है, ठीक है, और फोर्स लगाने पे ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। मान लो कि ये पहले जो इनिशियल में जो था, और वो कुछ ऐसा बन गया, क्योंकि नीचे का पोर्शन फिक्स है वो अपनी जगह रहेगा, बट ऊपर का पोर्शन है वो उसका चेंज हो गया जो शेप वगैरह, राइट। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे और यहाँ पे एक वो क्रिएट हुआ, क्या कहते हैं उसको, कि एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। तो सेम चीज़ों वो जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ, वही डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। कि यहाँ पे जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, गामा इसको कहते हैं, राइट। तो देखो मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, कोई आपको ऐसे समझाएगा नहीं, कि गामा इसको गामा से डिनोट करते हैं, गामा मीन्स ये होता है, रुको यार कहाँ गया कलर, हाँ ठीक है, गामा मीन्स ये होता है, इसको गामा से डिनोट करते हैं, गामा। ध्यान रहे गामा किसको बोलते हैं, गामा इसको बोलते हैं जिसपे हम लोग शियर स्ट्रेस को, शियर स्ट्रेन को डिनोट करते हैं, मतलब कि ये वाला चेंज जो हुआ उसको हम लोग डिनोट करते हैं। और जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, शियर स्ट्रेस मन पता चल गया आपको, एक एंड फिक्स होता है, जो लाइक ऐसे घिसरते हुए कि एक एंड फिक्स होगा और दूसरे पे अगर प्रेशर लग रहा है, दैट मीन कि वो शियर स्ट्रेस है। आपको पता होगा शियर स्ट्रेस के बारे में, तो आई थिंक आपको पता होगा। तो शियर स्ट्रेस का जो होता है हमारा टाओ कहलाता है। तो टाओ मीन्स जो ये वाला यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इसके अंदर, उसको हम लोग टाओ से डिनोट करते हैं। तो होपफुली तुम लोगों को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आपको समझ जाएगा, इसका कुछ भी ज़्यादा नहीं है। और देखो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, मैं इजीली समझा रहा हूँ, आप इजीली समझ जाओ। और क्या करोगे, आप इसका नोट बना लो और इसको 3-4 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, इतना बड़ा भी कुछ नहीं है, ठीक है। वीडियो शायद लंबा हो रहा है क्योंकि मैं तुमको समझा रहा हूँ, लेकिन इसका नोट बनाओगे ना 2 मिनट भी नहीं लगेगा पढ़ने के लिए, रिविज़न के लिए 2 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो मे भी वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, राइट। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस समझाने से पहले मैं अभी आपके सामने कुछ वो बना लेता हूँ, क्या कहते हैं उसको, डायग्राम क्या यार। तो बल्क मॉडुलस समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ये कोई बल है, राइट, कोई बल है, और हम लोग इसको चारों तरफ से पुश करके इस पर प्रेशर डाल के इसका डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, और इसको हम लोग बना रहे हैं कि
कि हम लोग इसको इस ये छोटा में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो देखो ये ऐसा बॉल है कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम लगा के इस बॉल को छोटा बना लिया। ठीक है, वॉल्यूम नहीं, हमने इस पर प्रेशर लगा के ये जो ये वाला था, रुको क्या कहते हैं उसको, ये वाला जो था, ठीक है, जो ब्लू वाला था वो बड़ा बॉल था और हमने उसको प्रेस करके उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ छोटा कर दिया। मतलब कि हमने उसको वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया और कम कर दिया वॉल्यूम को। लाइक ये आप मान लो एग्जांपल कि आप क्या कर रहे हो ना, आप कोई कैसा एग्जांपल दो, हाँ मान लो आप कोई स्पॉन्ज को पकड़ रहे हो, जो वो स्पॉन्ज आप समझ सकते हो, ठीक है, जिसमें वो हम लोग खेलते हैं ना बचपन में, उसको दबा के उसका छोटा कर रहे हो, आपने हाथ से प्रेस करके उसका को जो उसकी एरिया को छोटा कर रहे हो, तो वही एरिया को छोटा करने को बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस कैसे डिफाइन होता है, इसको डिफाइन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस, एक स्ट्रेस आपको पता है मैंने कि स्ट्रेस सिग्मा है, जहाँ पे स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और स्ट्रेन की अभी मैंने बताया था, स्ट्रेन क्या होता है कि जो चेंज होता है उसका डायमेंशन चेंज होता है, बट यहाँ पे पहले जो हमने बताया था उसका लेंथ में चेंज हो रहा था, यहाँ पे उसका पूरा वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। राइट, पूरा वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो माइनस पे लगेगा, उस पे माइनस सिंबल लगता है। ठीक है, सिग्मा वी बाई डेल्टा वी। देखो यहाँ पे याद रखने बात है, डेल्टा किसको बोलते हैं, एक त्रिभुज जैसा होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मीन्स कि वो जो चेंज हुआ है, तो इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को होपली समझ में आना चाहिए। तो फार्मूला को याद करना, सिग्मा वी मीन्स जो स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, और डेल्टा वी मीन जो स्ट्रेस सॉरी जो स्ट्रेन हुआ है। स्ट्रेन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि ओरिजिनल वॉल्यूम था और जो चेंज हुआ वॉल्यूम डिवाइडेड, उसको डिवाइड करने के बाद हमारा डेल्टा भी आएगा। समझ रहे हो ना, कुछ इतना बड़ा नहीं है, इतना डी भी सिग्मा देख के कन्फ्यूज मत हो जाना। ठीक है, लास्ट वाला वो जो आया है इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि, तो देखो पॉइजन्स रेशियो इसका मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल दे दिया था कि इससे पहले जो इलास्टिसिटी क्या पहला क्या था हमारा यंग्स मॉड्यूलस में इसका एग्जांपल दे दिया था। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस में जैसे ही इसका एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल यहाँ पे एग्जैक्ट है पॉइजन्स रेशियो के लिए। पॉइजन्स रेशियो में देखो यहाँ पे जो ब्लैक वाला मैंने बनाया था, वो ब्लैक वाला जो डायग्राम है, देखो इसका एल जीरो है, ये है ओरिजिनल। ठीक है, ये है ओरिजिनल ब्लैक वाला, ओरिजिनल शेप है किसी चीज़ का, और हम लोग उसको दोनों तरफ से खींच के, जो रेड वाला देख रहे हो, हम लोग उसको दोनों तरफ से खींच के थोड़ा लंबा बनाए, उसे हुआ क्या, इसका जो विड्थ है वो थोड़ा छोटा हो गया और जो लेंथ है इंक्रीज हो गया, बट जो विड्थ है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या है, पहले वाला जो था डायमेंशन, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, बाद में जो डायमेंशन आया। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल इसको डिफाइन करने के लिए डी बाई डी डिवाइडेड बाय डी एल बाई एल। तो एल का मतलब आपको पता होगा, एल का मतलब जो चेंज हुआ है लेंथ में, चेंज इन लेंथ। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन डी यार लैटरल्स भाई साहब, ये अगर एक बार ऊपर चला जाता है नीचे नहीं आता, छोड़ा हम ऊपर हाथ नहीं मारेंगे, सॉरी यार। देखो गाइस मैं फ़ोन से कर रहा हूँ तो तुम लोग भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन हमने किसको लिया यहाँ पे, जो पहला वाला डायमेंशन जो था इसको हमने लैटरल स्ट्रेन ले लिया डी बाई डी। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमने इसका लेंथ का जो चेंज हुआ है उसको हमने ले लिया डी एल बाई एल, डी एल और डी डी स्मॉल डी। तो एल का मतलब आपको समझ रहा होगा लेंथ, और डी का मतलब होता है डायमेंशन, जो जो भी है इसका वर्थ वगैरह। तो पॉइजन्स रेशियो कुछ होता है जो ऑब्जेक्टिव बारे में, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है मैकेनिकल, कॉर्क का जीरो होता है, कंक्रीट का 0.1 से 0.25 और मेटल का 0.25 से 0.33। देखो मैंने लिखते टाइम इसको उल्टा लिख लिया था। ठीक है, और रबर और वैक्स और परफ्यूम का
इसका क्या भाई, मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, उसका 0.05 से हाफ तक होता है, ठीक है, 1.2 मतलब कि 0.5 से 50 तक होता है। सबसे जीरो होता है कॉर का, बार बार पूछ लेता है कि पॉइजन्स रेशियो फॉर मैक्सिमम, पॉइजन्स रेशियो फॉर जीरो, ऐसा पूछ लेता है। तो मैक्सिमम आपको रबर वैक्स का याद रखना है, कॉन्क्रीट का 0.1 to 0.2, ठीक है, आपको ये याद रखना है, और मेटल का 0.25 से 0.33। तो रिलेशनशिप ऑफ इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट, सिग्मा 2g1 प्लस म्यू, तो छोड़ो ये, इसका एक लाइक कि ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर याद रख सकते हो, इसको भी नोट बना लेना कि ऑब्जेक्टिव में वो पूछ लेगा इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट, इन तीनों में से कोई से भी आपको कंपल्सर दिया होगा, तो इन तीनों में से जो एक तो दिया होगा आपको, बोलेगा कि 6 ऑप्शन होगा, 6 या 4 ऑप्शन होगा, इस सारे गलत होगा और इन तीनों में से कोई सा भी दिया होगा, तो आपको इन तीन इसमें से एक को फाइंड करना है, उसमें होगा तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। सब्जेक्टिव टाइप में जो SSC JEE में जो आता है सब्जेक्टिव टाइप, उसका मैं आपको एक वीडियो बना के सेपरेट वीडियो एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप लोग को 2 मिनट लगेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा लेंदी या फिर 10-12 मिनट का हो सकता है। लव यू, मिलते हैं।